क्या बताया है? बतला दिया आपको कि अनादि होते हुए भी ये जो अविद्या है ये नित्य नहीं। जैसे रज्जु में सर्प बतलाया था ऐसे है, और दूसरा बतलाया था कि जिस प्रकार से जगने पर सारा का सारा स्वप्न प्रपंच क्या होता है, नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से विद्या के द्वारा ये अविद्या अनादि होते हुए भी क्या होती है, मूल के सहित अविद्या जन्य जो भ्रांति है वो मूल के सहित नष्ट हो जाए, ये बतला दिया। फिर ये भी बताया था कि अनादि अविद्या हो और नित्य हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि प्राग भाव के समान प्राग भाव अनादि, लेकिन वस्तु की उत्पत्ति होते ही क्या होता है, उस वस्तु का जो प्राग भाव था वो क्या होता है, नष्ट हो जाता। इसी प्रकार से अविद्या भी नष्ट हो जाती है, ये भ्रांति भी अनादिकालीन हो भले ही। फिर बतलाया था कि अपनी आत्मा में बुद्धि रूपी उपाधि के साथ जो तादात्म्य संबंध है, तो अपनी आत्मा में जीव भाव की कल्पना हो, अपनी आत्मा में जीव भाव की कल्पना हो, बुद्धि रूपी उपाधि के साथ क्या तादात्म्य संबंध हो, इसलिए ये जो जीव है ये स्वरूप से अपनी आत्मा से भिन्न नहीं हुआ। आत्मा में बुद्धि रूपी उपाधि से जीव भाव क्या है, कल्पित। तो स्वरूप से जो जीवत्व है ये आत्मा से अलग हुआ क्या, आत्मा से अलग नहीं हुआ, तो ये जीव जो है आत्मा ही है। और ये भी बतलाया था कि आप ये देखो कि बुद्धि के साथ जो संबंध है वो वास्तविक है या अवास्तविक है ना, मिथ्या ज्ञान के कारण ही क्या है, संबंध है, अन्यथा जड़ और चेतन का तो क्या है, बिल्कुल पृथकता ही, जड़ और चेतन तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसलिए ये जो संबंध बतलाया है बुद्धि के साथ आत्मा का, वो क्या है, मिथ्या ज्ञान के कारण से, इसके कारण से। और मिथ्या ज्ञान का हेतु होता है अधिष्ठान का अज्ञान, है ना, वस्तु का सही ज्ञान ना हो तब क्या होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्या होती है, सर्प की भ्रांति होती है, सर्प का मिथ्या ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से आत्मा का बुद्धि के साथ जो संबंध है वो मिथ्या ज्ञान के कारण से, तो इस कारण से ये जो जीवपना और ये जो बंधनपना है ये सब के सब क्या हो गए, कल्पित हो, वास्तविक नहीं रहे। वास्तविक तो आत्मा क्या है, सच्चिदानंद मुक्त स्वरूप, मुक्त रूप। और महाराज कैसे पिंड छूटेगा, ये श्लोक भी हो गया ना 204वां, तो बतलाया है तस्य विनिवृत्तिर भवेत्। ये जो जीव भाव है
और जीव भाव का कारण जो तादात्म्य संबंध है और तादात्म्य संबंध का जो कारण है मिथ्या ज्ञान का, वो अज्ञान है। तो इसकी निवृत्ति कैसे होती? तो कहते हैं सम्यक ज्ञानेन न अन्यथा। सम्यक ज्ञान से ही इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होना मतलब क्या है? जीव भाव की निवृत्ति होना। इसका मतलब क्या है कि हमें आत्मा के यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान, अपने स्वरूप का, हाँ जो ठीक ठीक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान। इसको क्या बोला था? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम, श्रुति के मत के अनुसार। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, आप्त पुरुष प्रमाण है, एक ही बात। यथार्थ वक्ता जो राग द्वेष पूर्ण व्यक्ति हो वो यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता, है ना। यथार्थ वक्ता कौन होता है? जिसकी ना कहीं पर प्रीति हो ना किसी से द्वेष, वो क्या होता है? यथार्थ वक्ता, जो बिल्कुल निष्पक्ष है। तो जो श्रुति है, श्रुति वेद के लिए बोल, तो उनका तो अपना कोई निहित तो स्वार्थ है नहीं। और इसीलिए संत को भी क्या माना जाता है? संत का जो वाक्य है, शब्द है, उसको क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है, क्योंकि उसका भी किसी से कोई स्वार्थ या राग या द्वेष नहीं है। इस कारण से वो क्या है? यथार्थ वक्ता, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण यही है, शब्द प्रमाण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं मिहार्यसि। प्रमाण कौन है? कहते हैं शास्त्रम प्रमाणम ते, तेरे प्रति शास्त्र ही प्रमाण। कार्याकार्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें तेरे लिए कौन प्रमाण होता है? शास्त्र प्रमाण होता है। तो शास्त्र के द्वारा जो उक्त विधान है उसको जान करके तुम क्या करो? उसी के अनुसार कर्म करो, व्यवहार करो, है ना। तो जैसे ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, गृहस्थ का क्या कार्य कर्तव्य है, वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है, और सन्यासी का, साधु का क्या कर्तव्य है, इसमें कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है, हाँ? गुरु वचन प्रमाण हो गया, संत वचन प्रमाण हो गया। तो इस तरह प्रमाण का अभिप्राय ये हो गया है कि देख करके मैं कहाँ खड़ा हूँ उसके अनुसार क्या है? साधन करना चाहिए, उसके अनुसार साधन करना चाहिए। और जो अत्यंत वैराग्यवान है पूछेगा कि संन्यास कब ले, है ब्रह्मचर्याश्रम में ले या गृहस्थाश्रम में ले या वानप्रस्थाश्रम में ले या संन्यास कब ले, तो कहते हैं जब वैराग्य हो तभी ले। वैसे तो सामान्य नियम तो क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम। लेकिन जो तीव्र वैराग्यवान है उसके लिए ये क्रम नहीं है। वो तो जब भी वैराग्य हो, तीव्र वैराग्य हो, तभी क्या ले लें? तभी संन्यास ले, सर्वकर्म संन्यास। सर्वकर्म संन्यास से अभिप्राय है कर्म फल का भी संन्यास,
फैला सकती ना हूँ, आसक्ति सब छूट गई है। ऐसा जो वैराग्यवान है और अनात्मा से जिसने संन्यास ले लिया, आत्मचिंतन में जो लगा हुआ है, वही क्या है? वही संन्यास। दंड कमंडल गैरिक वस्त्र धारण कर लेना ये संन्यास नहीं है। ये तो संन्यास का क्या है? केवल चिन्ह है, वेशभूषा है, ड्रेस। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? श्रुति ही प्रमाण है सम्यक ज्ञान। क्या कहा है? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम। श्रुति कहती है आत्मा की ब्रह्म से जो एकत्व की अनुभूति है, यही क्या है? यही सम्यक, यही सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है, और अज्ञान के दूर हो जाने से अज्ञान जन्य जो भ्रांति, मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, ये नष्ट हो गया है ना। ये प्रक्रिया है। ये क्या है? ये प्रक्रिया है। तो इसलिए आत्मा की ब्रह्म रूपता का जो अनुभव है, यही सम्यक ज्ञान, यही यथार्थ ज्ञान है। तो ऐसे जो विचारवान, विवेकी, वैराग्यवान साधक है, जिनका लक्ष्य मात्र तत्वानुभव करना है, जगत का मूल्य महत्व की दृष्टि में सर्वथा नगण्य हो गया है, ऐसे कुछ विरले साधक, जैसे कर्म मार्ग के अनुष्ठान करने वाला बहुत लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उपासना का अनुष्ठान करने का अधिकारी कोई भी हो सकता है, जो भी मन संसार से हटाए और किस में लगाए? भक्ति में लगाए। लेकिन ज्ञान मार्ग के जो अधिकारी है वो तो विरले ही, क्या होते हैं? विरले ही होते हैं। जिस द्वैत को सत्य माना है, उस द्वैत से अद्वैत में जाना है। कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी क्या है? द्वैतात्मक है। उपासना से फल प्राप्त होने वाला भी क्या है? अपने से भिन्न द्वैतात्मक ही है। तो बुद्धि में संस्कार, इंद्रियों में है, सब जगह संस्कार क्या है? द्वैत के ही है। तो अद्वैत में जान, वैसे चले भी जाते हो आज आप लोग रोज रोज निद्रा में, कहाँ चले जाते हो? अद्वैत में चले जाते हो, लेकिन अज्ञान होने के कारण से जाते हुए भी नहीं जाते हैं। जैसे कोई कहे ऋषिकेश घूम के चला गया और उसको पता ही नहीं, अरे मैं तो ऋषिकेश गया नहीं, अरे जहाँ तू घूम रहा था वही तो ऋषिकेश था। ऐसा अज्ञान होने से प्राप्त होते हुए भी है ना, वैसे ही है सुषुप्ति में अज्ञान होने से इसको अपना अनुभव नहीं होता है, और जागृत में विचार के द्वारा अज्ञान दूर हो जाता है, तब इसको अनुभव होता है। ये प्रक्रिया समझ आ गया। तो आत्मा की ब्रह्म के साथ जो एकत्व की अनुभूति है, यही सम्यक ज्ञान कहा गया है। अब 105वां श्लोक आप लोग देखिए। तदात्मनात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति
ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः तद आत्मनात्मनोः सम्यग् विवेकेन एव सिद्ध्यति ततः विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा असदात्मनोः तद और तदा दोनों ही लग जाएंगे तदा माने तब और तद माने उस तद आत्मा अनात्मनः अनात्मनो है आत्मा अनात्मनो आत्मा और अनात्मा का तद माने वह जो ब्रह्म आत्मिकत्व का विज्ञान है वह जो विज्ञान अनुभूति आत्मा की जो ब्रह्म रूपता की अनुभूति है वो कैसे होती है साधन बतला रहे आत्मनात्मनो सम्यग विवेकेना एव सिद्धि आत्मा अनात्मा के ठीक ठीक विवेक हो जाने से ही क्या होता है सिद्धि ठीक ठीक विवेक हो जाने से आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव होता है साधन क्या बतलाया है आत्मा और अनात्मा का सम्यग विवेक पृथकीकरण और क्या चल रहा है ये तो चल रहा है ना ये जो पंचकोश है ये क्या है अनात्मा है और जिनको क्या किए रहता है आत्मा माने बैठा रहता है जिनको क्या मानता है आत्मा मानता है तो उसका ही क्या कर रहे हैं अलग अलग विवेक कर रहे हैं ना कि अन्नमय कोष है बिल्कुल स्पष्ट एक एक बता दिया कि पांच कोषों से आवृत है आत्मा इसलिए वो भासता नहीं इस कारण अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष ये पांचों के पांचों कोष क्या है अनात्मा और इन पांचों कोषों से विलक्षण इनका साक्षी जो चेतन तत्व है वही आत्मा अब ये अलग अलग करना बहुत सहज कार्य भी है और बहुत जटिल कार्य भी है सहज कार्य भी है और जटिल कार्य भी है बुद्धि से स्पष्ट हो जाएगा तो फिर जो है इसी का निरंतर चिंतन किया जाए निरंतर चिंतन होने से ये निश्चय होने लगे जैसे जैसे निश्चय होगा वैसे वैसे क्या होगा अनुभूति होती है कि जैसे ये जो हस्तपाद वाला ये शरीर है अस्थि मांस का समूह पिंड ये आत्मा नहीं है ये मैं नहीं तो ऐसे क्या होने लगेगी एक एक कोष से अपनी पृथकता आत्मा की पृथकता का अनुभव होता चला इसी को कहा है आत्मा अनात्मा का जो सम्यग विवेक सही सही सूक्ष्म बिल्कुल विभिन्नता बिल्कुल पृथकता स्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से नहीं जैसे कोहरे में दिखता है ना रास्ता ऐसे नहीं
दिख तो रहा है, गाड़ी चल भी रही है, लेकिन स्पष्ट है क्या? बिल्कुल स्पष्ट, और वो ज्ञान से ही होता है। स्पष्ट हो गया मेरे को, कम भी महसूस तो होगा ही। हाँ, तो जानकारी रहेगी कि शरीर में लगा पर दर्द तो मेरे को होगा ही। मेरे को कहाँ होगा, मन को होगा, मन को धर्म होगा। अब जैसे रक्त किससे बह रहा है, अज्ञानी कहता है मेरे से बह रहा है, और रक्त तो बह ही रहा है लेकिन शरीर से बह रहा है, शरीर से बह रहा है। नहीं, दर्द होगा लेकिन दर्द होना किसका स्वभाव है? शरीर का। ये मन का, मन के द्वारा जाने जाते हैं ना सब, ये मन बुद्धि से उतना अलग हो जाता है कि इसका फिर महसूस ही नहीं होता शरीर में कुछ भी हो रहा हो। अभी भी किसको महसूस हो रहा है? आप समझ रहे हो आपको महसूस हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। आपने मन बुद्धि में तादाद में किया हुआ है, इसलिए आप क्या समझते हैं? मेरे को महसूस हो रहा है। मन बुद्धि को महसूस होगा, फिर भी होगा, ठीक है ना। ये मैंने कल आपको बताया, चौथी पांचवी भूमिका तक सब कुछ महसूस होगा। अज्ञानी के समान ही ज्ञानी का सारा व्यवहार होगा। हाँ, महसूस कब नहीं होगा? जब चित्त सर्वथा बाह्य वृत्ति का परित्याग करके अपनी आत्मा में विलीन हो जाएगा, उसको अवस्था को कहे पदार्था भाविनी और पूरी अवस्था। तो जब तक चित्त है तब तक ये सब संवेदन बना रहेगा। तो उसमें क्या भेद है? तो सब भी बना हुआ है। श्री कृष्ण है, क्या श्री कृष्ण को बाण नहीं लग रहा है, रक्त नहीं बह रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। चित्त की अवस्था, शरीर की अवस्था है, चित्त की अवस्था है, उपाधि में है, आत्मा भिन्न है, अलग है। अब ये कितना आपका चिंतन है, कितना आपका निश्चय है, कितना आपका अनुभव है, दृढ़ता है, ये उस पर निर्भर करेगा, ये उस पर निर्भर करता है। अभी किसी ने कहा कि आपको कैंसर है, जो सत्संग तो सुन रहा है लेकिन ही जाएगा, है ना। लेकिन जो विवेक है वो समझता है किसमें है, शरीर में, शरीर में, और मृत्यु किसकी है, शरीर की है, मेरी तो कभी भी नहीं है। तो जब छूट जाए क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अज्ञानी को, फर्क पड़ता है जिसका दृश्य में राग है उसको, फर्क पड़ता है जिसकी शरीर में ममता अहमता है उसको, फर्क पड़ता है जिसका अभ्यास पक्का है उसको, क्या फर्क पड़ता है शरीर में, ठीक है। ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि केवल सुनने से, मनन पुनः पुनः, कितना आपका अभ्यास दृढ़ है, कितना आपका निश्चय पक्का है, कितना आपकी अनुभूति अनुभव हो गया, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं। अपनी आत्मा का और अनात्मा की पृथकता का संपूर्ण रूप से अनुभूति हो गई तो कोई उसमें भेद आता ही नहीं। तो ये जो आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध है, अनुभव है, ये होता है आत्मा अनात्मा के ठीक ठीक विवेक हो जाने। अब जैसे ये कह दिया जाए कि आत्मा सो परमात्मा, या ये कह दिया जाए कि तू आत्मा है, ब्रह्म है, विवेक तो नहीं हुआ ना। वो ऐसा मानने लग गया बुद्धि से, ऐसा उसने निश्चय भी कर लिया है, तो वो सबका सब उसका भावनात्मक है। उसका वो जो चिंतन है वो उपासना कोटि में माना जाए, ठीक है। लेकिन
विवेक का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है, बिल्कुल अलग अलग देख जाना कि देखो ये अलग है और ये अलग अलग। पहले इसके ऊपर रखा था तो हमें क्या लग रहा था, ये एक ही है, लेकिन पता लगा कि नहीं ये तो दो है अलग अलग। वैसे ही अलग अलग हो जाना कि ये सब अनात्मा है और आत्मा साक्षी चेतन तो अलग है और उसकी ब्रह्म रूपता का जो अनुभव है यही विवेक से होता है। इससे होता है विवेक, इसलिए विवेक कर दिया कि अनात्मा क्या नहीं। वो जो विवेक है वो तो साधारण विवेक, ठीक है ना, वो तो उतना ही विवेक है कि ये सब क्या है, अनित्य है और नित्य तत्व कोई अलग है, वो विवेक साधन कोटि का विवेक है। और ये जो विवेक है ये ज्ञान रूप है, ज्ञानात्मक है, ये बिल्कुल सर्वथा स्पष्ट हो गया। अभी क्या हो गया है, सर्वथा स्पष्ट हो गया कि ये सब अनात्मा है, ये सब दृश्य जड़ है और आत्मा बिल्कुल अलग है, साक्षी दृष्टा चेतन। तो सम्यक विवेक से ही सिद्ध होता है, इसलिए ततः विवेकः कर्तव्यः, इसलिए क्या करना चाहिए, विवेक ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विवेक ही करना चाहिए। किसका, प्रत्यगात्मा असदात्मनः, क्या करना है, प्रत्यगात्मा और असद आत्मा का विवेक करना चाहिए। और ये विवेक की ही प्रक्रिया है पंचकोश विवेक, है ना, ये सबसे सुंदर प्रक्रिया है। अनात्मा से अलग आत्मा को समझने के लिए, निश्चय और अनुभव करने के सबसे सुंदर प्रक्रिया है। जैसे ये तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इससे भिन्न आत्मा है उतना स्पष्ट नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है उतना स्पष्ट नहीं होता है। कहाँ जाती है आत्मपना, मन बुद्धि में चला जाता है। किसमें चला जाता है, मन बुद्धि में चला जाएगा आत्मपना। लेकिन ये जो पंचकोश, चार है ना प्रक्रिया, चार है ना, एक तो क्या है, पूछा आत्मा कहा, आत्मा कौन है, क्या है, तो बतलाया है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण सच्चिदानंद रूप आत्मा। ये चार लक्षण दिए, एक लक्षण क्या दिया है, हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है वो आत्मा, ठीक, स्पष्ट नहीं होगा। फिर कह दिया है तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो आत्मा है, उसमें भी उतनी स्पष्टता नहीं आएगी साधक के सम्मुख। फिर कहा पंचकोश से जो अलग है वो आत्मा है, जब पंचकोश का विवेक करेंगे तब क्या है, तब समझ में, तब स्पष्ट रूप से क्या रह जाएगा, अनात्मा से भिन्न पंचकोशों से अलग आत्मा का स्पष्ट बोध। और चौथा लक्षण ये सच्चिदानंद रूप है, जो सतचिद आनंद वो आत्मा है। ये प्रक्रिया पंचकोश विवेक की जो प्रक्रिया है, इसी तो प्रकरण ग्रंथ है, आप योग वशिष्ठ सुनेंगे, अष्टावक्र गीता सुनेंगे, तो वहाँ पर तो क्या बतलाया जाएगा, यही बतलाया जाएगा कि तू आत्मा है, आत्मा जो है मुक्त रूप है, तू ब्रह्म है, तू चेतन है, तू शरीर नहीं है, तो वहाँ पर उतनी प्रक्रिया सुस्पष्ट नहीं होगी।
और यहाँ पर क्या बतला देंगे, बिल्कुल पंचकोश विवेक आदि के द्वारा इनका स्वरूप बतलाएंगे कि देखो ये पांच कोश और ये आत्मा क्यों नहीं हो सकते। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं ना, इनका स्वरूप गुण धर्म लक्षण कर्म सब कुछ स्पष्ट रूप से बता। इसलिए प्रत्यगात्मा और असदात्मा का क्या करना चाहिए, विवेक कर्तव्य, विवेक करना चाहिए। यही प्रक्रिया चल रही है, दृष्टांत दे करके बतला रहे हैं। आगे क्या दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार से तादात्म्य हो जाता है और किस प्रकार से पृथकीकरण हो जाने पर अलग अलग सुस्पष्ट हो जाता है। तो दृष्टांत देखिए 206वां श्लोक। जलम पंकवदत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भाति तथात्मा भी दोषाभावे स्फुट प्रवाह। जलम पंकवद अत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भाति तथा आत्मा अपि दोषाभावे स्फुट प्रवाह। जलम पंकवद अत्यंतम पंकवद, जैसे जला जल जो है वो कीचड़ के द्वारा क्या हो गया है, अत्यंत गंधीला हो गया है, अत्यंत मटमैला हो गया है ना। तो ऐसा जो जल है गंदला जल, पंका पाए क्या होता है, कीचड़ के क्या हो जाने पर, उस धूल जो मिट्टी मिली हुई है उसके बैठ जाने पर जलम स्फुटम, जैसे किसी सरोवर में या किसी उसमें जल भरा हुआ है पोखर में, और वहाँ से गाड़ी होकर के गई बैलगाड़ी, तो क्या होता है जो बैठी हुआ कीचड़ है नीचे जमीन पर उसका जल के साथ क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, घुल जाता है वो जल में। तो जो जल बिल्कुल स्वच्छ था वो क्या हो जाता है, मटमैला हो जाता है, गंदला हो जाता है। और थोड़ी देर के पश्चात धीरे 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 कीचड़ नीचे बैठ जाता है और ऊपर जल बिल्कुल स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने जो शिष्य थे ना आनंद, हैं, उसको कहा कि भाई देखो प्यास लगी है जल लेकर के आओ। तो वो गया, देखा जल तो भरा हुआ है लेकिन वहाँ से अभी क्या गई है, गाड़ी गई है, तो वो जो धूल है मिट्टी है कीचड़ वो सब का सब क्या हो गया, जल में मिला हुआ है, मिश्रण हो जाने से जल बिल्कुल मटमैला हो। वापस लौट आया कि जल तो है लेकिन पीने लायक नहीं। भगवान बुद्ध ने उसको दोबारा भेजा कि जाओ एक बार और देख के। अब वो गया, तब तक क्या था, कीचड़ नीचे, मिट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर स्वच्छ जल है, वो भर करके लिया है। तो वैसे ही उसको समझाया कि बहुत ज़्यादा शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के द्वारा और दोषों को हटाने से क्या हो जाता है, जीवन में आत्मा के प्रकाश का अनुभव हो जाता है।
धैर्य पूर्वक निरंतर दोषों को विकारों को निकालते जाने से और आत्मा के चिंतन करते जाने से क्या होगा, आत्मा की अनुभूति हो, अधीर नहीं हो उठना चाहिए, अधीरता नहीं आनी चाहिए, धैर्य पूर्वक। वैसे ही जैसे जल में कीचड़ मिल जाने से वो पीने योग्य नहीं रहता है, लेकिन पंका पाए जलम स्फुटम, वो कीचड़ के हट जाने से, हट जाने का मतलब क्या है, नीचे बैठ जाने से जलम स्फुटम, बिल्कुल साफ सुथरा जल प्राप्त हो जाता है। इसी यथा भाति, जिस प्रकार से वो स्पष्ट साफ सुथरा जल प्राप्त हो जाता है, भाषित होता है, इसी प्रकार से आत्मा भी, आत्मा दोषाभावे स्फुट प्रभाव, दोष का क्या हो जाने से, अभाव हो जाने से, क्या दोष, अविद्या दोष, क्या दोष, अविद्या दोष या अध्यास रूप दोष, भ्रांति दोष, एक ही बात है, अविद्या से ही क्या है, भ्रांति है, क्या भ्रांति है कि उपाधि में ही मैंपना हो जाना, और इसी का नाम जीवत्व है, इसी का नाम क्या है, जीवत्व, यही जीवपना है, समझ आ रहा है ना। तो अविद्या दोष से क्या है, अध्यास दोष कहो या मिथ्या ज्ञान दोष कहो है या जीव रूप दोष कहो, इनका कारण क्या है, अविद्या। तो अविद्या दोष के हट जाने पर, या और थोड़ा व्यापक लेना हो तो तीन दोष बतलाए, कौन कौन से, मल विक्षेप और आवरण, कितने दोष बताए, तीन दोष बतलाए। तो मल क्या है, जो ये विकार है, मल क्या है, जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट है, स्वार्थ निंदा चुगली, ये सब क्या है, मल है, ये सब मल है, ये सारे विकार। तो ये तो हो गए मल, विक्षेप माने चंचलता, जब मल होगा तो चंचलता होगी, होगी नहीं होगी, होगी है, चंचल क्यों है, क्योंकि मलिनता है ना, राग द्वेष है, इच्छा है, आशा है, इसी कारण से चित्त चंचल है। अब मलिन चित्त को कोई रोकना चाहेगा तो रुकेगा क्या, और रुक भी जाएगा तो जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर के लिए, मलिनता पहले दूर करनी चाहिए, और साधन बतलाए हुए हैं कि निष्काम कर्म से क्या हो जाएगा, मल दूर हो जाएगा, उपासना से विक्षेप दूर हो जाएगा, और तीसरा दोष क्या है, आवरण अविद्या, वो तो ज्ञान से ही दूर, तीन दोष है ना चित्त में, मल विक्षेप आवरण, समझ आया। तो निष्काम कर्म, निष्काम माने कामना रहित तो होकर के कर्म, स्वार्थ बुद्धि से रहित तो होके कर्म, जिसको कर्म योग भी कहते हैं। वैसे वहाँ पर कर्म से अभिप्राय है वैदिक कर्मों का अनुष्ठान, वो क्या करें, निष्काम भाव से, क्योंकि उनको करने में ही क्या होती है, उनको करने में अहोभाग्यता आती है, उनको करने से, उसमें दो प्रकार के होंगे ना कर्म, दो प्रकार के हैं, स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म। स्रोत कर्म जो श्रुति प्रतिपादित कर्म है, वैदिक कर्म, यज्ञ अनुष्ठान आदि, ये तो सब क्या है, स्रोत कर्म है,
और स्मृति कर्म, स्मार्त कर्म जिनको बोलते हैं, तो जैसे कुआ खुदवा देना, भंडारा, प्याऊ हैं, औषधालय हैं आदि कर, ये सब काम करना, ये क्या है? स्मार्त कर्म। तो स्रोत स्मार्त कर्म करे, लेकिन कैसे करें? इस काम का। अब कर्म करना तो क्या महाराज, रोटी बनाते ये भी कर्म, रोटी खाते ये भी कर्म है, और भी कर्म करते ही है ना, तो उन कर्मों को नहीं गिना जाता है। कर्म से अभिप्राय स्रोत स्मार्त कर्म से। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग है, उसमें तो सभी आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाते हैं? सभी आ जाते हैं। और सभी को ग्रहण करना ही ठीक है, क्योंकि जैसे कर्म योग है, ये तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार बता दिया हमने। अब जो कर्म योग है कि जो भी कर्म आप करें, सबका सब क्या करें? ईश्वरार्पण बुद्धि से, निष्काम भाव से करें। आप फल की चाह ना हो, स्वार्थ ना हो, उसमें आशा ना हो, तो आपके समस्त कर्म जो बांधने वाले थे वो क्या बन जाएंगे? कर्म योग बन जाएंगे, और आपके अंतःकरण की निर्मलता का हेतु बनेगा। स्वार्थ से ही, स्वार्थ लोभ मोह से ही क्या होता है? चित्त मलिन होता है। और जो कर्म करते हुए स्वार्थ लोभ मोह नहीं है, तो वो कर्म क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। यज्ञ हो जाता है। वैसे तो यज्ञ क्या है? रूढ़ है, वैदिक, जो मंत्रों के द्वारा पुरोहित जो यजमान के द्वारा आहुतियाँ डलवाता है अग्नि में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को यज्ञ कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो क्या बदला दिया? जप भी यज्ञ है, इंद्रिय संयम भी यज्ञ है, स्वाध्याय करना भी यज्ञ है, हैं? कितने प्रकार के यज्ञ बतलाए? बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, अनेकों प्रकार के यज्ञों का विस्तार जो है ब्रह्मा जी ने कहा है। ऐसा कौन कह रहे? श्री कृष्ण कह रहे। कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, उनको क्या कहा है कि वे सबके सब क्या है? कर्मजन्य है। कर्मों से ही तो संपादित होते हैं ना। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, उन सबको तुम क्या जानो? कर्मज जानो। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, उनको जान करके उनसे और उनके फल से मुक्त हो जाओ। गीता जी में तो ज्ञान यज्ञ की सबसे मान्यता होती है। हाँ, भिन्न भिन्न है। वैसे तो पूछा कि यज्ञों में कौन हो आप, हमें कहते यज्ञा नाम जप यज्ञों। तो देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 लोग बैठे हैं, अब 100 लोगों में 80 लोग की बुद्धि का स्तर अलग है, 15 लोगों की बुद्धि का स्तर भिन्न है, और 5 लोगों की बुद्धि का स्तर भिन्न है। अब उपदेश दो जो दिया जाएगा वो किन के लिए दिया जाएगा, है ना? जो 80 लोग, जो ज़्यादा लोग बैठे, जिन ज़्यादा को लाभ मिले, तो अधिकतर पात्र किसके? जप आदि के पात्र हैं, ज्ञान के अधिकारी तो नहीं, सब नहीं। जिसने जप कर लिए है, हैं, वो उपासना जिसने कर ली है, वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। तो आधार तो क्या हुआ? जप आदि ही है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले जप करो, ध्यान करो, सत्संग करो। श्रेष्ठ तो क्या है? सत्संग। ये जो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बोला है ना, ज्ञान अभ्यास सबसे श्रेष्ठ है। तो सत्संग करो, तो फिर मनन करते हुए, निश्चय करते हुए, तब अपनी आत्मा का अपरोक्ष। तो ये भिन्न भिन्न बतलाए गए। तो मल विक्षेप और आवरण तीन दोष बतलाए हैं।
तो उन तीन दोषों का अभाव हो जाने से चित्त क्या हो जाता है, आत्मरूप हो जाता है। आपकी बुद्धि क्या होती है, आत्मरूप हो गई है ना। जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प क्या है, रस्सी रूप हो गए, वैसे ही मल दूर हो जाएगा, विक्षेप दूर हो जाएगा और ज्ञान के द्वारा ये अविद्या रूपी जो आवरण है जिसने अपने स्वरूप को ढका हुआ है वो आवरण दूर हो जाएगा। तो फिर क्या है, ये बुद्धि क्या हो जाएगी, आत्मरूप हो जाएगी। मल विक्षेप आवरण रहित जो चित्त है वो क्या है, वो आत्मा ही है। क्या है, आत्मा ही। जैसे जो तरंग है, जो उस तरंग में तरंग पना है, हलचल है, उसको हटा दे तो वो क्या है, जल रूप ही है। वैसे तरंग होते हुए भी जल रूप ही है। तो बुद्धि मन इंद्रिया सबका सब है तो आत्मरूप ही, लेकिन अज्ञानी को अनुभव नहीं हो रहा। और ज्ञानी को तो अनुभव है कि सबका सब क्या है, आत्मरूप ही है। ये सब वृत्तियाँ उसमें उठ रही है, आत्म सिंधु में अनेकों वृत्तियाँ उठ रही है और लय हो रही है। सारी जितनी भी लहरें उठ रही है समुद्र में, वहाँ उठ रही है, कहीं भंवर हो रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, विलीन हो रही है, वो सब किस में हो रहा है, जल में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है ना, जल में हो रहा है। तो वैसे ही जो कुछ हो रहा है किस में हो रहा है, ऐसा ज्ञानी देख। अज्ञानी तो तंग हुआ रहता है मन बुद्धि इंद्रियों के हाथ, तो बेचारो हैं विषयों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से फुर्सत नहीं है, परेशान रहता है, उसको कोई बोध नहीं है, वो तो उसको ही अनुभव नहीं होता है। अनुभव किसको होता है, जिसने वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मनन के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अपनी आत्मा का अपरोक्ष कर लिया है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, सब कुछ अपनी आत्मा, सब कुछ अपना आत्मरूप हो जाता है। ये दोषाभावे की बात चल रही थी ना, कि दोषों का अभाव हो जाने से, दोष क्या है, अविद्या दोष, ये तीन हमने और भी बतला दिए हैं, हैं या ये पांच कोष है, ये भी दोष ही है। ये पांच कोषों को मैं मान लेना, ये क्या है, मैं में दोष आ गए, मैं में आत्मा में क्या आ गए, ये पांच घुस के बैठ गए आत्मा में। इन पांचों चोरों को हटाया तो आत्मा, ये भी दोष है, पर लेकिन सब है अविद्या जन्म। मूल क्या है इनका, अविद्या, और उसका विरोधी क्या है, विद्या। अविद्या का की विरोधिनी क्या है, विद्या ही है, तो उस विद्या के द्वारा। तो यही कह रहे हैं कि जैसे अत्यंत मटमैला कीचड़ युक्त जल कीचड़ के बैठ जाने से साफ जल ही ऊपर भासता है, दिखता है, प्रयोग में लिया जा सकता है, इसी प्रकार से समस्त दोषों का क्या, अपनयन हो जाने पर, अभाव हो जाने पर अपनी आत्मा ही क्या है, स्फुट प्रभा स्पष्ट रूप से प्रकाशित, उस विवेकी को अपनी आत्मा कुछ कुछ स्पष्ट रूप से भासने लगे, जो अज्ञानी को देह इंद्रियादि रूप से भासता है उसको क्या है, विशुद्ध रूप से अनुभव हो जाए अपने। ठीक है, समझ आ गया है, समझ आ गया तो अगले वाला भी देख लीजिए। असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम्
प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एव असदात्मनः सद्वहमादिवस्तुनः असत् निवृत्तौ सदात्मना स्फुटं प्रतीतिः एतस्य भवेत् प्रतीचा ततः निराशः करणीय एव असदात्मनः साधु अहमादिवस्तुनः असन्निवृत्तौ तु असत की निवृत्ति हो जाने पर कैसे ऐसे होती है एतस्य सदात्मना स्फुटम् ये जो अपना सत्य आत्मा अपना जो सत्य आत्मा है उस सत्य आत्मा के ज्ञान से विचार से चिंतन से क्या होता है असन्निवृत्तौ असत की निवृत्ति हो जाने पर एतस्य प्रतीचः प्रतीति भवेत् ये जो प्रत्यग आत्मा है इसकी क्या होती है प्रतीति होती है अनुभव सदात्मना स्फुटम सदात्मना माने अपनी आत्मा के चिंतन के द्वारा स्फुटम को भी रहने देना सदात्मना सदात्मना का अभिप्राय क्या हुआ आत्मचिंतन के द्वारा असत निवृत्तौ क्या होती है जो असत है उनकी क्या हो जाती है निवृत्ति हो जाती असत क्या है ये जो अविद्या है ये असत है और अविद्या का जो ये प्रपंच है क्या आनंदमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय और अन्नमय समझ आ रही है क्या आत्मचिंतन के द्वारा असत की निवृत्ति हो जाने असत में क्या आ गया मुख्य तो अविद्या मुख्य क्या है अविद्या तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने से अविद्या की निवृत्ति से अभिप्राय क्या हो गया उसका जो कार्य है अविद्या का कार्य क्या है जीव भाव अविद्या का कार्य क्या है ये विज्ञानमय आनंदमय मनोमय आदि कोष है या भी और ये सारा दृश्य प्रपंच इसमें जो आसक्ति इसमें जो सत्यत्व बुद्धि ये सब किसका कार्य है अविद्या का कार्य है तो आत्मचिंतन के द्वारा क्या किया पीछे जो बताया ना दोषा भाव उसी को क्या यहाँ पर कह रहे असत निवृत्त असत आत्मचिंतन के द्वारा या आत्मा के बोध के द्वारा आत्मबोध या आत्मानुभव के द्वारा असत निवृत्तौ तु असत की निवृत्ति हो जाने से क्या है एतस्य प्रतीचा ये जो प्रत्यगात्मा है उसकी स्फुटम प्रतीति ही भवेत् स्पष्ट रूप से प्रतीति हो जाती है अनुभूति हो जाती स्पष्ट रूप से समझ आया क्या बोला सदात्मना जो सत्य आत्मा है बाकी क्या है असदात्मा ये शरीर क्या है सदात्मा
तो जिसको मिथ्या आत्मा बोले, असद आत्मा का हो या मिथ्या आत्मा का, क्या कहेंगे? आत्मा नहीं है लेकिन इनमें आत्मभाव होना, ये असद असद वो कहते हैं ना कि वो तो मिथ्या या विमान कर रहा है, है ना, वो मकान का मिथ्या विमान कर रहा है तो उसके भाई का, और वो क्या कर रहा है तो उसके पिता का, उसने थोड़ा कमाया है, वो क्या कर रहा है, मिथ्या, मिथ्या माने झूठा ही। तो वैसे ही शरीर में जो मैंपना है, आत्मापना है कि मैं शरीर हूँ, ये क्या है, मिथ्या, हाँ मिथ्याभिमान है, मिथ्या आत्मा, इसको क्या बोलेंगे, मिथ्या आत्मा। और सत्यात्मा, सत्यात्मा तो बिल्कुल स्पष्ट है, विशुद्ध है, चेतन, और ये सब क्या, मिथ्या आत्मा है। शरीर क्या है, मिथ्या आत्मा है, हैं ये जो प्राणमय कोश है ये क्या है, मिथ्या आत्मा है, और ये मनोमय कोश मिथ्या आत्मा, और ये विज्ञानमय और ये आनंदमय, मिथ्या आत्मा का बाद कर देंगे तो सत्यात्मा शेष रह जाए, वो अनुभव में आ जाए। तो इसी को कहा है असत निवृत्त, सदात्माना, सत्य जो सद आत्मा है उसके विचार, उसके बोध के द्वारा असत निवृत्तौ, असत की निवृत्ति हो जाने से एतस्य प्रतीच, ये जो प्रत्यगात्मा, प्रतीच माने जो प्रत्यगात्मा अंतरात्मा है, उसकी स्फुटम प्रतीति ही भवेत, स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, उसका अनुभव होता है। लेकिन कब होता है, जब असत का त्याग, निवृत्ति हो जाए, तब है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि साधक को पहले क्या है, निषेध मुख या व्यतिरेक रूप से चिंतन करना चाहिए। पहले से पहले ये चिंतन नहीं कि संतुष्ट तो ब्रह्म ही है, संतुष्ट तो आत्मा ही है, तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा उसको कभी भी। पहले असत की निवृत्ति करो, असत घुस के बैठ गए ना, ये शरीर घुस के बैठ गया आत्मा में, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि, ये सब उसके कहाँ बैठ गए, और सबके सब क्या कहने लगे कि मैं आत्मा, जैसे कोई भी सबके सब गद्दी पर बैठ गए पांच छह जा करके, और सबके सब क्या कहते हैं, मैं राजा हूँ, सबके सब क्या कर रहे हैं, मैं राजा हूँ, अब लड़ रहे हैं आपस में, शरीर कहता है कौन है, आत्मा मैं, और इंद्रिया कहते नहीं मैं आत्मा हूँ, प्राण कहता है मैं आत्मा हूँ, मन कहता है मैं आत्मा, बुद्धि कहती है, और है कोई भी आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वो कहता नहीं है, जो आत्मा है कुछ कहता नहीं, वो देखता है, लड़ने दो, क्या फर्क पड़ता है, हैं? आत्मा अभिमान करने से मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने से आत्मा हो तो जाएंगी नहीं है, क्या हो जाएंगे, कोई व्यक्ति ये आपको ये कहे कि भाई वो व्यक्ति छोटा है और मैं तो कहने दो, है वो जो जो कह रहा है वो वही है, और जो नहीं कह रहा है वो वही है, है? हंस ये नहीं कह रहा है कि मैं हंस हूँ, और कौवा क्या कह रहा है कि मैं, तो उससे हंस हो गया, वो कौवा कौवा ही है और हंस, उससे फर्क क्या पड़ता है। इसीलिए किसी का विरोध या प्रतिकार या खंडन है या स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हो रहा है उसको उन्हें होते हैं क्या फर्क पड़ता है, है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भागने वाले भागते हैं, रहने वाले रहते हैं, जाने वाले जाते, सब होता रहता है, सब क्या है, है? जो भागने वाला है वो आपके कहने से रुकेगा नहीं, और जो रुकने वाला है वो जाएगा नहीं, तो क्यों चक्कर में पड़ना है, तो जो होता है उसको होने दे, जो होता है ना इसको, ये जो संसारियों वाला दृष्टिकोण है ना, वो साधक के मार्ग में बाधा है,
नहीं ऐसा करना है, नहीं वैसा करना है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, क्या चक्कर में पड़ना है, सब हो रहा है ना? ये हमारे सामने कई बार आते हैं, बहुत बड़ी समस्या बताते हैं, हम कहते कोई बात नहीं और होने तो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी, फिर बाद में कहते हैं कि जो तो बहुत बड़ी लग रही थी वो तो कुछ है ही नहीं। अब मैंने कहा पहले कुछ नहीं है, पहले कह जी ये हो गया, हो गया तो हो गया, मान लीजिए हो भी गया तो हो गया, सो हो गया, अब उसमें क्या, ठीक है हाँ। तो जितना चुप रहे, जितना समय दे हैं, उतना ही वो जो समस्या की बड़ी लग रही थी वो क्या पाती है, वो चीटी जितनी हो जाती है, थोड़ा सा और समय दे दो तो समस्या कुछ है ही नहीं। क्या समस्या, कहाँ समस्या है, कोरोना में इतने दुनिया मर गई है, उसके बाद भी जो जीने वाले हैं, और जब रहते थे तब उसके बिना, कि मेरे बिना तो ये नहीं हो सकता है, और व्यक्ति को भी लगता है कि उसके बिना वो नहीं हो सकता, और कुछ ही दिन याद करते हो आज वाले तो और भी ज़्यादा होशियार हैं, तीसरे दिन ही अपना काम शुरू है, ठीक है ना। कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पति मर जाए चाहे पत्नी मर जाए चाहे कुछ मर जाए, आजकल वाले तो बड़े तेज है, फास्ट है ना, जाके बढ़ो भाई, जीते जी मर जाना चाहिए है ना, जीते जी मर जाए, इसलिए ये चीज़ है। तो आप ये भ्रम है आपका कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता या मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये भ्रम है। सब कोई सबके बिना रहते, कभी आप अपने माँ बाप बिना नहीं रहते थे, अब कभी कहते थे हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, पति पत्नी के बिना नहीं रह सकते, सब रहते हैं, सब यूँ ही चलता रहता है संसार, यूँ ही होता रहता है, थोड़े बहुत दुखी भी, दुखी वाले होने वाले दुखी भी होते रहेंगे, वो बिना बात भी होते रहेंगे, जिसके प्रारंभ में दुख भोग है, सारा कुछ परिवार भी हो, स्वास्थ्य भी हो, संपन्नता भी हो, लेकिन वो पता नहीं और क्या सोच सोच करके है, जिसके प्रारंभ में जैसे चलता ही रहता है, और बाकी और भी नहीं तो सपने में भी दुख भोग लेता है आदमी है, सपने में पीछे पड़ गया उसके व्यापार में आग लग गई है, अब उसकी हालत देखो बेचारे का, चला रखी है एसी और हो गया, ऐसा ही है, चलो आगे बढ़ना था पर कहाँ बढ़ेंगे, तो आज का विचार बाकी का विचार कर सकते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।